इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्याघ्रा के बारे में। व्याघ्रा जिसको सिल्डेनाफिल कहते हैं, इसका यूज करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए और ज़्यादातर हो सके तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है इसका। पिछले वीडियो में हमने वर्क ऑफ मैकेनिज्म के बारे में देखे थे कि किस प्रकार से जो है ये वर्क करती है, ठीक है। इसका काम क्या था कि ये रिलैक्सेशन करती है जिसके कारण जो है ब्लड भर जाता है, और ब्लड भरने के कारण क्या होता है कि इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक है, जो पेनिस है, और जिसके कारण जो है होता है क्योंकि ये जो है कॉन्स्ट्रिक्शन से रिलेक्शन करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का होने से क्या होता था कि एजुकुलेट जल्दी हो जाता था, तो एजुकुलेशन से बचने के लिए और जो पेनिस को इरेक्शन करने के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसको लिया जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि क्या होता है बार बार जो है पेनिस जो टिशू है वो ज़्यादा देर तक इरेक्टाइल रहेगा तो उससे पेन ऑफ इरेक्शन, तो ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो होती है जिसको प्रीएपिज्म कहते हैं। बट इसके अलावा जो है ये किस पे काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर पे, ठीक है, हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन इस पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से दिक्कत हो सकती है, जैसे कि ब्लड कम पहुँच पाना जिससे एंजाइना हो सकता है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ डिजीनेस, हेडेक और फ्लशिंग तो होता ही है, इसके साथ में ही विजुअल चेंजेस भी हो सकते हैं जिसमें ब्लू एंड ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट करने से आप अनेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए इस टेबलेट से लेने से पहले जो डॉक्टर से सलाह लें, और अगर ज़्यादातर इसका अवॉइड ही करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और डेली रूटीन पर जो है हो भी रहे हैं।